नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे पहले हम एक बार क्विक रिविज़न ले लेते हैं परसेंटेज का। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि 100% को भिन्न में क्या लिखते हैं, एक, 50% को 1/2, 25% को 1/4 और 33 सही 1/3% को 1/3, 20% को 1/5, 16 सही 2/3%, 1/6। उसके बाद था 14 सही 2/7%, 1/7 और 11 सही 1/9% कितना होता है, 1/9। और फिर था 10% बराबर 1/10, 9 सही 1/11% बराबर 1/11। उसके बाद था 8 सही 1/3%, ये किसके बराबर था, 1/12। और इसके बाद क्या था कि यहाँ पे 12 सही 1/2%, 1/8। और इसके बाद क्या था, 7 सही 9/13%, ये किसके बराबर था, 1/13 के। और इसके बाद क्या था, 7 सही 1/7%, और ये किसके बराबर था, 1/14 के बराबर। और इसके बाद क्या था, 6 सही 2/3%, ये किसके बराबर था, 1/15 के। उसके बाद था 6 सही 1/4%, ये था 1/16 के बराबर। फिर था 5%, ये था 1/20 और 4%, 1/25, 2% क्या था, 1/20 नहीं 1/50, और एक था 15%, 15% होता है 3/20। तो ये वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए, इससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बारह सही 1/2% को भिन्न में बदलो। तो 12 सही 1/2%, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 12 + 1/2% है, तो 2 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 × 24 और 1 25/2, और प्रतिशत को क्या लिखते हैं, 1/100। तो इसको 25 को 100 से काटेंगे तो 1/4, ये कितना आ जाएगा, 1/8। तो ऐसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो हमें ये भिन्न याद होनी चाहिए, हम हर बार ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जैसे 83 से ही 1/3% को भिन्न में बदलना है। तो 1/3 कहाँ पे आया था, एक तो होता 33 सही 1/3%, उसमें होता है 1/3, और एक होता 16 सही 2/3%, उसमें नीचे होता है। तो 33 का तो मल्टीपल ये कुछ दिख नहीं रहा उसके आसपास कहीं भी, क्योंकि 33 × 66 और 33 × 99, तो उसके आसपास है नहीं ये। तो ये 16 सही 2/3% के ही कोई ना कोई गुणज है। तो देखते 16 × 5 कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 16 × 5 = 80, और 5 × 2 से करेंगे तो 10/3, और 10/3 को काटेंगे तो 3 सही 1/3, और 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6, और इसका 5 मल्टीप्ल करेंगे तो × 5, तो ये हो जाएगा 5/6, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू में याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है। तो ये 16 सही 2/3% का 5 गुना दिखाई दे रहा है, तो 1/6 को भी हम 5 से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 5/6। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 37 सही 1/2%। तो 1/2 कहीं भी आ जाए बीन के अंदर, तो वो 12 सही 1/2% का कोई ना कोई गुणज है। तो ये 12 का कितना गुणज दिख रहा है, 12 × 36, तो 36 के आसपास है। तो 12 से 1/2% कितना होता है, 1/8, तो इसका 3 गुणा है तो ये 3/8 हो जाएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 42 सही 6/7%। तो भिन्न में नीचे सात कहाँ होता है, कहाँ पे आता है? 14 सही 2/7 होता है एक तो, और एक 7 सही 1/7%। पहले 14% से देख लेते हैं कि इसके आसपास है क्या नहीं। तो 14 42 होते हैं, तो इसका 3 गुणा है ये, तो 12, तो 14 सही 2/7% कितना होता है? 1/7। और इसका 3 गुणा है, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3/7। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 185 सही 5/7%। तो नीचे 7 आ गया, तो ये मल्टीपल होगा 14 सही 2/7% का, या फिर 7 सही 1/7% का। तो पहले इसे देखते हैं ये किसका मल्टीपल दिखाई दे रहा नहीं। तो 14 कितना कितना गुणज है ये दिख रहा है। 14 एकम 14 4 14 42, तो ये 13 गुणा दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 सही, तो 13/7, क्योंकि 14 सही 2/7 कितना होता है? 1/7, और ये इसका 13 गुणा है, तो 1/7 को भी 13 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 13/7। तो ऑप्शन सी आ जाएगा ये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 214 सही 2/7%। तो नीचे 7 आ गया, फिर 14 सही 1/7% का कोई ना कोई ये गुणज होगा, और इसकी वैल्यू होती है 1/7। तो ये कितना गुणज दिख रहा है इसका, देख लेते हैं इसको काट के। 14 एकम 14, और यहाँ बचेगा 7, तो 14 5 70, तो ये लगभग 15 गुणा है इसका। ऑप्शन ए है जैसे 15/7, तो इसका 15 गुणा है ये, तो इसको भी 15 से गुणा कर देंगे, तो 15/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 16 सही 2/3%। भिन्न में कितना होता है, हमने याद किया था कि 1/6। तो ऑप्शन, तो इसको रेशियो में बताना, तो रेशियो 1/6 हो, 1:6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। 4:25 है, तो इसको परसेंटेज में बनाना है। कैसे बदलेंगे? पहले तो 4:25 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4/25 लिख सकते हैं। अब इसको प्रतिशत में बनाना है, तो प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करते हैं हम, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 को 25 से काटेंगे, तो 25 चौके 100, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, तो ये 16% आ गया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। 7:10, इसको रेशियो में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहले से लिखेंगे 7/10, अब प्रतिशत में बनाना है, तो 100 की गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 काटेंगे, तो ये 7 दाए 70 हो जाएगा, 70%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। 5:8, तो इसको भिन्न में बनाना, तो कैसे बनाएंगे? 5/8, और भिन्न में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा? 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, और 100 को 4 से काटेंगे, तो 25, तो ये हो गया 25 5 125/2, तो 2 6 12, 2 दूनी 4, और 1 सही 2, तो 62 सही 1/2% आ गया ये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 3/5, इसको प्रतिशत में बनाना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 100 काटेंगे, तो 20 20 दिया 60, तो मैंने याद किया था कि 1/5 कितना होता है? 20%, तो 1/5 का ये 3 गुणा है, तो 20 का भी 3 गुणा कितना हो जाएगा? 60। क्वेश्चन नंबर 12। 4/7, इसको हमने परसेंटेज में बनाना है, तो 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%, और ये इसका 4 गुणा है, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, तो 14 चौके 56, और 4 दूनी 8/7। अब ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा, तो इसको भाग करेंगे, तो ये आएगा 56, और यहाँ पे 1 सही 1/7, 56 और 1 57, 57 सही 1/7%, ये आ जाएगा ऑप्शन डी। सात बटे आठ परसेंटेज में बनाना है, तो 1/8 कितना होता है? 12 सही 1/2%, तो इसका 7 गुणा है ये,
तो इसको भी 7 से गुणा कर देंगे, 12 से ही 1/2% को 7 से गुणा करेंगे, तो 12 7 84 और 7 की 1 से करेंगे 7/2। अब नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है तो ये कट जाएगा, तो 84 इसको काटेंगे तो 3 से ही 1/2 और 84 और 3 87, तो ये हो जाएगा 87 से ही 1/2%, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 0.004 इसको प्रतिशत में बनाना है। सबसे पहले इस दशमलव को हटा लेते हैं, कैसे हटाएंगे, 4 और फिर दशमलव की जगह 1 लिख लेंगे, और दशमलव से इस साइड कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो 3 0 लिख देंगे, और प्रतिशत में बनाना है तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। अब 2 0 से 2 0 कटेगी, 4/10, 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.4, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 0.16 इसको भिन्न में बनाना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट से बाद में कितने अक्षर हैं, 2, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। 0.035 इसको प्रतिशत में बनाना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना है 35 और पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट से इस साइड कितने नंबर हैं, 3, तो 1 2 3, 3 0 लिख देंगे, और प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, 35/10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2700 का 33 से ही 1/3% कितना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, 2700 का मतलब होता है गुणा, और 33 से ही 1/3% भिन्न में क्या होती है, 1/3, तो अब इस 3 से इस 2700 को काट देंगे, कितना आएगा, 900, तो हमारा आंसर आ गया 900, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, 800 का 20%, तो 800 का मतलब गुणा, 20% क्या होता है, 1/5, तो 5 से काटेंगे तो 16 5 80, ये आ गया 160, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। 1200 का 15% निकालना है, 1200 का 15%, तो 1200 का मतलब गुणा, 15% कितना होता है, 3/20, तो 0 से 0 कटगी और 2 से इसको काटेंगे तो 60, और 60 दिया 180, ऑप्शन सी आ गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 9900 का 7% निकालना है, तो 9600 का 7%, कैसे निकालेंगे, 9600 का मतलब गुणा 7 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो इसके बटे कर देंगे 100, 2 0 से 2 0, अब 7 6 42, 8 4, 7 9 63 और 4 67, 672 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। 1400 का 13% निकालना है, 1400 का 13%, तो 1400 का मतलब गुणा 13%, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो नीचे 100 लिखेंगे और 2 0 से 2 0, 13 4 52 और असल लगी 5 13 1 13 और 5 18, तो 182 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। 250 का कितना प्रतिशत 30 है, तो इसमें बताना है कि 30 जो है वो 250 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या करते हैं, जिस वैल्यू को निकालना है वो ऊपर और नीचे टोटल लिखते हैं, 250 है नीचे और प्रतिशत में बनाना है तो गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 10, 25 से 100 को काटेंगे 4 और 3 6 12, तो 12% है, तो इसमें 250 का कितना प्रतिशत 30 है ये निकालना था,
ये बताना था कि 30 कितना प्रतिशत है 250 का। तो जो वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल वैल्यू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 400 का कितना प्रतिशत 320 है। तो इसमें बताना कि 320 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है। तो 320 ऊपर लिखना है और टोटल कितना आता है 400 और गुणा 100। तो इसमें क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गई और इसको 4 8 32, तो ये आ गया 80%, ऑप्शन बी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो 400 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है? ये हमें निकालना है कितना प्रतिशत, तो इसे हम एक्स मान लेते हैं कि एक्स प्रतिशत 320 है। तो 400 का कितना प्रतिशत 320 है। अब देखिए 400 गुणा एक्स प्रतिशत मतलब 1/100 और बराबर 320। दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 320/4 कितना आ गया 80। तो एक्स 80 आ गया, एक्स प्रतिशत ये हमें निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 24, 500 का कितना प्रतिशत 240 है। तो 500 का कितना प्रतिशत 240 है, तो 240 बताना है कि ये 500 का कितना प्रतिशत है। तो जो वैल्यू निकालनी है वो ऊपर और टोटल नीचे और गुणा 100 करेंगे। तो दो जीरो से दो जीरो और 5 से 100 काटेंगे तो 5 चौके 20 और बचे 4 5 8 40, तो ये आ गया 48%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स का 6.25% 31/25 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मतलब गुणा 6.25% 31/25 है। तो एक्स का 6.25% 31/25 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू में बतानी है। तो कैसे करेंगे, एक्स का मतलब गुणा और 6.25, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की जगह एक और पॉइंट से इधर कितने नंबर हैं दो, तो दो जीरो लगा देंगे और प्रतिशत को क्या लिखते हैं हम 1/100, और ये है 31/25 के बराबर। तो अब 25 से काट लेते हैं, 25 चौके 100 और 625 को काटेंगे तो 25 और फिर 25 को 100 से काटेंगे तो 4। अब इस साइड कितना है, 4 × 4 = 16, तो नीचे 16 है मतलब 16 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो x बराबर 31/25 × 16, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 5 = 80 की 80 का 0 असलगी 8, 16 × 32 और 8 = 40 की 0 असलगी 4, 16 × 1 = 16 और 4 = 20 की 0 असलगी 2, 16 × 3 = 48 और 2 = 50, तो ये आ गया 50,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं, यदि 350 का एक्स प्रतिशत 21 है तो एक्स का मान बताना है। क्या बोला है, 350 का एक्स प्रतिशत 21 के बराबर है। तो 350 का मतलब गुणा एक्स प्रतिशत क्या होता है, 1/100, तो नीचे 100 आएगा, ये किसके बराबर है 21 के। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, एक्स बराबर 21, 35 इधर गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग में, और इधर 10 भाग में है इधर आएगा तो गुणा में। अब 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 5 से 10 को काटेंगे तो 2, तो 3 × 2 = 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यदि वाई का एक्स प्रतिशत 80 का 4/5 के बराबर हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो क्या बोला है, y का x प्रतिशत किसके बराबर हो, 80 का 4/5 के बराबर हो। तो अब क्या करेंगे, y का मतलब गुणा x प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100, तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर 80 का मतलब गुणा और 4/5, इधर क्या है एक्स वाई, 80 × 4/5, इधर 100 भाग में था इस साइड आ गया तो गुणा में। अब 5 को 80 से काटेंगे तो 16 और एक्स वाई हमें बताना है, तो 16 चौके 64 और 2 जीरो, तो 6400 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी।
तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इन क्वेश्चंस की वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।